हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। ओम। योगा करने के लिए आप लोग आए हो? अरे करोगे? कितने लोग करोगे? जरा सा हाथ खड़ा करो पहले। आप लोग करोगे नहीं करोगे? बड़ा मुश्किल से आप लोग को बुलाया हूँ, ठीक है ना? तो आप लोग करोगे? चलिए सभी लोग हाथ खड़ा किए हैं। तो योगा, सबसे बड़ा योगा ताली बजाना होता है। थोड़ा सभी लोग जोर से पहले ताली बजा लीजिए। बहुत बढ़िया। बताएंगे कि शरीर में ऊर्जा कैसे आता है। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर ये चीज जान जाओ, क्योंकि घर में ऐसे ऐसी लेडीज लोग हैं जिनको पता नहीं कि स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। सर्दी हो जाता, खांसी हो जाता, यहाँ दर्द हो जाता, पीठ में दर्द हो जाता, घुटने में दर्द हो जाता। क्या करते हैं लोग, आप लोग दवा मंगाते हैं इस मेडिसिन से और उसको खा लेते हैं, दर्द कम हो जाता है। ऐसा करते नहीं करते आप लोग? करते हैं ना। लेकिन मान लीजिए इंग्लिश की दवा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है आपका, कि तुरंत खाए तुरंत दर्द गायब, तो कितना देर? 6 घंटा 8 घंटा जीवन भर आप दवा खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। तो शरीर को, अपना दिनचर्या को चलाने के लिए योग बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो योग सभी लोग करना चाहिए। योग में सिर्फ ये नहीं कि आप एक जगह बैठ के कर रहे हो, आप दिन में कभी भी करो, सिर्फ पहले सीख लो। हम आप लोग के पास आते हैं, रोज बोलते हैं योग क्या चीज है, कोई नहीं बताते कि योग क्या चीज है। योग हर एक चीज जो बढ़िया से करते हो आप, वो योग है। आप लोग समझ रहे हो सभी लोग? जो भी काम करते हो, आप काम करते हो वो भी क्रिया योग है। आप मंदिर मस्जिद में जाते हो, वहां पे जाकर के जो दुआ करते हो वो भी बहुत बड़ा योग है, वो भक्ति योग है। आपके ध्यान जो है एकाग्र उस डिवाइन लाइट को देखने के लिए होता है, आपका ध्यान एकाग्र होता है। तो जो चीज पे आप ध्यान डालोगे वो ध्यान, अभी मैं हाथ उठाया ना, तो मैं चाहा तो हाथ उठाना। अगर हम चाहेंगे तभी ना मेरा किडनी ठीक रहेगा, किडनी अंदर है। कैसे देखोगे? बंद आंख से देखोगे कि हमारा किडनी कैसा है, एक मुट्ठी के बराबर है और दोनों साइड में है। कहां पे है किडनी? सब बच्चा लोग बोलो, दोनों साइड में। कितना कितना बड़ा है? एक एक मुट्ठी के बराबर। जोर से बजाओ ताली। कहां पे किडनी होता है? यहां पे होता है। वेरी गुड, सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कहां होता है किडनी। इस जगह में होता है किडनी हमारा, दोनों साइड में, ठीक है ना? आप जो जितना बड़ा मुड्ढी तकरीबन उतना बड़ा होता है। उसका काम क्या होता है, आप लोग से पूछ रहे हैं। योगा करने के लिए नहीं आ रहे थे ना आप लोग? आप लोग भी नहीं आ रहे थे। उनको बोले चेयर लगा दो, यहां बैठो, आप चेयर पे सुन लिया करो। जो चीजें बता रहे हैं आपके, हो सकते हैं काम के चीज बता रहे होंगे, ठीक है ना? तो अभी क्या बता रहे थे आप लोग को, क्या बता रहे थे? अरे बता तो, किडनी के बारे में बता रहे थे ना। किडनी क्या काम करता है आप लोग को भी नहीं मालूम? हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर के अंदर में, आप लोग बहुत साधारण तरीके से समझो इस बात को, कि जो हमारा शरीर के अंदर में ब्लड है, तो ब्लड काम करते करते क्या हो जाता है, थक जाता है। उसमें ऊर्जा लाने के लिए जितने हमारे सेल है, पूरे बॉडी में सेल है, हमारा पूरा बॉडी में क्या है, सेल। तो सेल को सभी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। वो ऑक्सीजन कौन ले जाता है, ब्लड ले जाता है हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है ना? तो गंदा भी होता है और अच्छा भी होता है। तो जब वो खून हमारे बॉडी में गंदा हो जाता है जो, तो उसको फिल्टर कहाँ किया जाता है, उसको साफ कहाँ किया जाता है, किडनी के अंदर। तो एक नस से कौन सा खून आता है किडनी के अंदर? लाल तो होता है खून, लेकिन एक नली से, दो नली लगा हुआ उसमें, कितना नली है उसमें? तीन नली है किडनी के अंदर। कितना पाइप लगा हुआ है? तीन पाइप। तो एक खून, गंदा खून आने के लिए किडनी में, वहां फिल्टर नेफ्रॉन करता है। कौन करता है? नेफ्रॉन, उस सेल का नाम है नेफ्रॉन। तो उसको क्या करता है, फिल्टर करता है, और फिल्टर करके साफ खून फिर शरीर में भेज देता है। और एक जो तीसरा पाइप है वो हमारा यूरिन के लिए बाहर चला जाता है। जो हम लोग पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है, पहले ब्लड में जाता है, पचने के बाद कहाँ जाता है, फिर पूछूंगा मैं बच्चा लोग, आप लोग से भी पूछूंगा, देख लीजिएगा। पहले जो हम लोग पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है,
पहले पाचन होता है और पाचन होने के बाद ब्लड क्या करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता, अपने में समाहित कर ले जाता है, तो सारा चीज चला जाता है ब्लड में मेरा पानी, और फिर ब्लड में इसीलिए बोलते हैं कि गरम गरम पानी सुबह सुबह पीजिए। उनको दर्द था ना, कहाँ चले गए? किसी को भी बॉडी में पेन होता है ना, गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने से क्या होगा कि शरीर में जो रक्त हमारा जो गाढ़ा हो गया है, जो ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं चल रहा है, तो गर्म पानी पियेंगे तो हाजमा तुरंत होगा। ठंडा पानी पियेंगे तो उसको पचाने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। अरे उसको गर्म करेगा ना पहले, जब गर्म करेगा तब पचाएगा आपका शरीर, क्योंकि आपका शरीर का टेम्परेचर कितना है? 98 डिग्री। बहुत लोग छत पर से योगा कर रहे हैं, यहाँ आके करते तो ज्यादा अच्छा लगता। तो वो क्या कर रहा हमारा बताओ, अभी तक क्या क्या बताया आप लोग को? किडनी में कितने नस? तीन नस। अरे जुमरे भाई मोहम्मद जो कौन सा ब्लड? साफ और गंदा। ये वैसे साफ जाता है, वैसे गंदा जाता है, अरे वैसे पेशाब जाता है। तो तीन को नस है उसमें लगा हुआ, ठीक है ना? फिर ना जब लंबा सांस हम खींचते हैं तो वो सांस में कहाँ जाता है? पानी को चला गया ब्लड में। अब हम जो लंबा सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा काम ऑक्सीजन खींचना, ये नाक का काम क्या? बुलाना ऑक्सीजन को, आ जाओ तब बुलाते हैं, तो इसको बीच लेता है ये, और कहाँ पहुंचा देता है? फेफड़ा को। और फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को वहां से ब्लड में घोल देता है, उसको क्या कर देता है? मिला देता है, जैसे चाय में चीनी मिलाते ना, वैसे फेफड़ा वाला जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में क्या कर देता है? मिला देता है। तो क्या हो जाता है? ब्लड क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। ब्लड कैसा हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। तो फिर ये जो हार्ट समझते हैं आप लोग, दिल ले, दिल बोलते हैं ना, दिल का कसूर है, तो दिल का कोई कसूर नहीं होता है, बेचारा का काम है सिर्फ ब्लड को सप्लाई देना। इसका काम क्या है? दिल का पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा देना, ब्लड सर्कुलेशन तेज कर देना। तो अभी हम आप लोग को बता रहे थे कि ब्लड का काम है पूरे शरीर में सप्लाई देना। फिर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं आप लोग से पूछने वाला हूँ, और आप लोग समझ लोगे ना, जब योगा कराएंगे, जब आंखें बंद करोगे, तो जितनी चीजें आप लोग को मैंने बताया है वो सारी चीजें आपके आंख के सामने होने लगेगी कि मैं ऐसे ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, वो कहाँ मिल रहा है? ब्लड में। और ब्लड कहाँ जा रहा है? हमारा दिल में जा रहा है। दिल का क्या काम? जाओ भैया, एक सेट जाता है कि जाओ ऑक्सीजन लेके आओ, दूसरा से दूसरे साइड में ऑक्सीजन लेके आता है, और ऑक्सीजन वाला ब्लड को 120 के स्पीड में क्या करता है? धक्का मार देता है, चल जा अब तू ब्लड में घूम ले। और ब्लड फिर गंदा होता है तो साफ होने के लिए कहाँ जाता है? किडनी में जाता है। तो आज आप लोग को देखो हार्ट का काम बताया आप लोग को, फेफड़ा का काम बताया, और किडनी के काम बताया, इतना चीज बताया। अरे आप लोग जाने कुछ सीखे स्कूल में? बताया गया था ये सब बताया गया था स्कूल में? हाँ हाँ, वेरी गुड। कस के बजाइए इसी बात के लिए, जोर से ताली, तो जोर से हंसेंगे इसी बात के लिए। कैसे हंसेंगे आप लोग? भी हंसेगा तो देखिए योगा में जरूर आप लोग आइए, अभी स्टार्टिंग है। आप लोग वो नाम लिख रहे थे बच्चा, वो लिख दिया क्या? सबका नाम लिख दिया, उम्र लिख दिया, किसी का नंबर नहीं है। कोई योग शिक्षिका बनना चाहती है, कोई आगे आइए। देखिए इतना शर्म मत कीजिए, आप भी कोई भी व्यक्ति, कि हम 10 लोगों को बैठाएंगे यहाँ पे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं नए नए जगह जाता हूँ, कुछ लोग यहाँ के जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ की जनता को सिर्फ योग के बारे में बताता हूँ, जागरूकता लाता हूँ कि वो लोग योग के माध्यम से स्वस्थ रह सकें। तो जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे उन लोगों को भी ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि योग की कितनी बड़ी शक्ति है, और योग से हमारा पूरा शरीर ही स्वस्थ रहता है। धन्यवाद ओम। अगर हमारे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।